बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई बहुत सी दुनिया इस मौके से फ़ायदा उठा सकती है। एक एशियन एक बंदा था जिसको यानी पाकिस्तान इंडिया में से किसी एक कंट्री का था, उसको जो है वो कोरोना हुआ दुबई के अंदर। एक महीना 29 दिन जो है वो हॉस्पिटल में रहा, इलाज चलता रहा चलता रहा। बैंक की तरफ से उसको जो है वो जो क्रेडिट कार्ड से उसने लोन लिए हुए थे वो उसके बिल आना शुरू हो गए। बिल ना जमा करवा सका क्योंकि हॉस्पिटल में थे, और उसको जुर्माने पड़ गए काफ़ी भारी। और जैसे 29 दिन के बाद हॉस्पिटल से फारिग होकर घर आया, उसने बिल देखे कि इतने जुर्माने पड़े। उसने बैंक की हेल्पलाइन में फ़ोन की, बैंक वालों से बात की, उसने कहा मेरे पर कोरोना का अटैक हुआ था तो मैं काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में था तो मैं नहीं दे सका, और अभी भी मेरे पास पैसे नहीं है देने के। तो फिर बैंकों ने, जो वहाँ के बैंक है, स्मिथ बैंक हो गया ये वो, उन्होंने उसके चार्जेस माफ़ कर दिए, और जो उसकी असल रकम थी उसमें से भी काफ़ी उन्होंने उसको छोड़ दिए। कुछ बैंकों से रिक्वेस्ट की है, वो सोच रहे हैं इसको क्या फ़ायदा दें। तो बहरहाल इस तरह है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो बैंक वालों को रिक्वेस्ट करके अपने लोन को कम करवा सकते हो। काफ़ी लोन उसका कम कर दिया गया। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।